लास्ट 4 से 5 महीना कंटिन्यू मुझे ये सवाल सुनने को आ रहा था कि दादा आपका स्टिंगरेस का स्टॉक कब आएगा। सो हियर इज द गुड न्यूज, आने वाले 2 से 3 दिन में स्टिंगरेस का एक बहुत बड़ा स्टॉक आ रहा है दोस्तों, सो गेट प्रिपेयर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टिंगरेस आया और आप ले ही नहीं पाए, ऐसा क्यों? क्योंकि स्टिंगरे लेने से पहले अगर आप अपना टैंक को रेडी नहीं करेंगे, उसका वो एनवायरनमेंट, वो एटमॉस्फेयर अगर नहीं देंगे, तो स्टिंगरे कैसे आपके पास अच्छा रहेगा। सो दोस्तों हियर इज द वीडियो, जिसको एंड तक देखना पड़ेगा, जिसके पास स्टिंगरे है वो भी देख सकते हैं, और जो स्टिंगरे नया लेने वाले हैं वो सब भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बेसिक आइडिया के साथ साथ कुछ ऐसा आइडिया बताऊंगा और कुछ ऐसा चीज बताऊंगा जिससे आपका स्टिंगरे हेल्दी रहे, अच्छा रहे। सो कीप वॉच दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू। दोस्तों पहले बात करते हैं कि टैंक का साइज क्या रिक्वायरमेंट है। सो स्टिंगरे एक मॉन्स्टर वैरायटी का फिश है, तो जब मॉन्स्टर वैरायटी का फिश है तो मॉन्स्टर टैंक नहीं रहेगा। अब मॉन्स्टर टैंक का मिनिमम साइज क्या होता है? जनरली 3.5 फीट से कोई कोई शुरू करता है, 4 फीट 5 फीट 6 फीट तक। तो लंबाई तो एक मैटर करता है, लेंथ, लेकिन मेन मैटर करता है विड्थ, चौड़ाई, अंदर का जो चौड़ाई वो मैटर करता है, क्योंकि ये बॉटम में ही घूमते रहता है। तो अगर आपका आपका अगर चौड़ाई अगर 1 फीट हुआ, उससे भी कम हुआ, तो थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि स्टिंगरेज अभी तो छोटा साइज है, ये आपको मिल जाएगा, आप रख पाओगे बेसिक कुछ दिन तक, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे जब ग्रो करेगा ये इसको तकलीफ देगा ये जगह। सो आपका अगर जो चौड़ाई है, जो विथ है, वो अगर 1.5 फीट है या उससे ज्यादा है, सो इट इज गुड फॉर दैट स्टिंगरे। दोस्तों इस पार्ट में चलिए बात करते हैं कि बॉटम कैसा रहेगा। हम लोग तो डिजाइन करते हैं, डेकोरेट करते हैं बहुत तरीके से हमारा टैंक को, जैसे उसको खूबसूरत लगे, आई कैचिंग लगे, इसके लिए हम लोग अपने हिसाब से टैंक को डेकोरेट करते हैं। लेकिन अगर आप स्टिंगरेस रखना चाहते हैं तो 2 चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। या आप बियर बॉटम रखिए, एकदम खाली, कुछ नहीं रहेगा सब्सट्रैक्ट में, या फिर आप सैंड रखिए, जो सैंड थोड़ा घना होना चाहिए। अगर आप थोड़ा वो बड़ा बड़ा ग्रेवल्स वगैरह, स्टोन्स, चिप्स का जैसा, ये सब देके, कलरफुल स्टोन्स देके रखेंगे, तो आपके स्टिंगरेस को तकलीफ देने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टिंगरेस है बॉटम फीडर। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है जहाँ पे स्टिंगरे आके हैंड फीडिंग ले रहा है, लेकिन वो बहुत दिन रहते 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 हैबिचुएटेड होने के बाद शुरू के दिनों में ये वो जगह में अनसेट रहेगा, सेट नहीं होगा एकदम, सो अनइजी फील करेगा, तो वो एकदम आके आपका हाथ से खाना नहीं खाएगा, वो बॉटम में जाएगा, धीरे धीरे वो उस खाना हैबिट करेगा। तो बॉटम में जो खाना जाएगा वो खाना, अगर वो जो आप ग्रेवल्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह रखेंगे, उसका अंदर चला जाएगा, तो स्टिंगरे तो उसका ऊपर चढ़ के खाता है, उसको खाना नहीं मिलेगा। वेयरस आप अगर बियर टैंक रखेंगे एकदम खाली, तो आराम से इसके ऊपर स्टिंगरेस चर पाएगा, और सैंड रखेंगे तो भी वो चर पाएगा, और वो आराम से वो खाना को खा पाएगा। सो बी केयरफुल, आपका टैंक कैसा है, अगर वैसा नहीं है जैसा मैंने बताया स्टिंगरेस के लिए, तो वैसा कर लीजिए अगर आपको स्टिंगरेस रखना है तो। चलिए दोस्तों अब नजर रखते हैं फिल्टरेशन और फीडिंग के ऊपर। तो देखिए फिल्टरेशन बहुत हेवी फिल्टरेशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कैनिस्टर फिल्टर ही लगाना पड़ेगा नहीं तो स्टिंगरेस अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। स्टिंगरे पहला तो बहुत कोई का दिमाग में है कि ये मरीन फिश है, नहीं, स्टिंगरे फ्रेश वाटर में ही होता है। तो स्टिंगरे का फिल्टरेशन एकदम नॉर्मल है, आप स्पॉन्ज फिल्टर, टॉप फिल्टर अगर आपके टैंक में है तो आराम से ये फिश आपके पास रह जाएगा, टेम्परेचर भी नॉर्मल रखना पड़ता है। और दोस्तों थोड़ा वाटर चेंज के बारे में बता दूं, एमोनिया जो लेवल है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर पानी में एमोनिया लेवल ज्यादा बढ़ गया तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए जो वाटर चेंज है, जो क्लीनिंग है, उसको आप कम से कम वीक में 1 से 2 बार करें। ऐसा नहीं कि 1 महीना 1.5 महीना हो जाए फिर उसके बाद करें, तो एमोनिया लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और स्टिंगरे उससे खत्म हो सकता है। और खाने के ऊपर हम लोग ध्यान दें तो श्रिम्प, जो मार्केट में लोकल श्रिम्प मिलता है, तो वो श्रिम्प को छोटा छोटा टुकड़ा करके देंगे तो आराम से स्टिंगरे खा लेगा। और ट्यूबिफिक्स है, लोकल वॉर्म से ये भी खाता है, सिंकिंग कुछ कुछ पैलेट, वो भी स्टिंगरे आराम से खा लेता है। लेकिन अभी शुरुआत के दिनों में बहुत कोई है जो पहले पहले चिकन, गोढ़ा, ये वो ट्राई करते हैं, एकदम मत कीजिए, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो बहुत हाई प्रोटीन वैरायटी का कुछ खाना मत दीजिए, जो उसको एग्जैक्ट जरूरत है वही खाना दीजिए प्लीज। सो दोस्तों मेन जो कुछ बेसिक आइडिया था, बेसिक नॉलेज था स्टिंगरेस के टैंक के लिए, वो मैं आपको दे दिया हूँ। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, अभी भी अगर किसी के मन में कुछ सवाल है, जरूर है, तो वो मुझे फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो और 2-4 दिन का मोहलत चाहूंगा, उसके बाद जो पूरा स्टॉक है वो आपके सामने लेके आऊंगा,
और देन यू विल चूज योर वन सो गेट रेडी टू कीप स्टिंगरे सबाई खूब भालो थाकबेन थैंक यू वेरी मच।